नमस्ते, इंडिया सेक्सिस में आपका स्वागत है सभी का। अभी हम यहाँ मुक्तेश्वर धाम पे घूम रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ के सनराइज भी देखा हमने। यहाँ से थोड़ा आज कोहरा जैसा है, तो हिमालय की चोटियाँ अभी यहाँ से नहीं दिख रही है, पर यहाँ पहाड़ों में हम घूम रहे हैं। यहाँ के लोगों की लाइफ भी बहुत बढ़िया सिंपल सी है, बहुत ही सेटिस्फाइड लोग हैं। और इनकी एवरेज एज है वो 90-95 के आसपास होती है। और यहाँ सिंपल सा लिविंग है, यहाँ सुबह भी जल्दी हो जाती है और शाम भी जल्दी होती पहाड़ों में। और यहाँ का खाना भी बहुत ही नेचुरल, बिल्कुल सिंपल सा नेचुरल होता है। पहाड़ों में ही सब्जी जो उगती है बिना दवाई की वो होती है। और यहाँ ये छोटे छोटे ऐसे होम स्टे भी होते हैं। देखो ये अलंकार होम स्टे करके है, ये यहाँ रेस्टोरेंट जैसा थोड़ा होता है और यहाँ आप खाने पीने रुक सकते हैं। देखिए यहाँ नंबर लिखे यहाँ के है, आप देखिए इसे बात करते हम। नमस्ते भैया, क्या नाम आपका? इंद्र सिंह गिनवाल। ये इंद्र सिंह गिनवाल, गिनवाल इंद्र सिंह गिनवाल है। ये इसका यहाँ पे ही ये शॉप है। यहाँ जो भी आपको चीज चाहिए, नाश्ता वगैरह सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ रहने की भी सुविधा है। क्या नाम है इसका? अलंकार होम स्टे। अलंकार होम स्टे है तो यहाँ रूम भी मिल जाता है और खाने पीने की सुविधा अवेलेबल होती है, ज्यादातर मिल जाती है। अच्छा, ओके। और यहाँ आसपास में क्या देखने का है? यहाँ से मेरे रूम के अंदर से ही सनसेट व्यू है, मंदिर व्यू, और थोड़ा आगे जाएंगे तो हिमालय व्यू है। अच्छा, और यहाँ आसपास में क्या क्या घूम सकते हैं? यहाँ पर अंदर ब्रिटिश टाइम का इंस्टीट्यूट है, IVRI। अच्छा, IVRI, ये वेटरनरी, इंडियन इंस्टीट्यूट वेटरनरी का रिसर्च सेंटर है वो। उसके अंदर वहाँ पे क्या होता है? गोल्डन लाइब्रेरी है। अच्छा, लाइब्रेरी वहाँ देखने जाने देते हैं? हाँ, जान देते हैं। अच्छा अच्छा। और नेचुरल फ्रिज बनाया हुआ है अंग्रेजों ने अपने टाइम में, पहाड़ काट के फ्रिज बनाया हुआ है। अच्छा, म्यूजियम है, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, बराबर, बढ़िया। और दूसरा मुक्तेश्वर मंदिर। मुक्तेश्वर मंदिर, अच्छा, मंदिर की बहुत बड़ी महानता है। अच्छा, क्या उसके बारे में कुछ है ज्यादा कुछ मालूम? ये पांडवों के टाइम का मंदिर। अच्छा, है, जो भी मांगो मन्नत पूरी होती है। अच्छा, इसके नीचे चौली जारी पहाड़ है। चौली जारी पहाड़, हाँ। तो वहाँ पर एक छेद है जिस औरत के बच्चे नहीं होते हैं। अच्छा, तो अगर वो सावन के महीने में या शिवरात्रि के दिन उसमें से आर पार हो तो उस बच्चे औरत के बच्चे हो जाते हैं। अच्छा, बढ़िया, चलिए जाली इसी बोलता हूँ। और वहाँ पर एक्टिविटी भी होती है। अच्छा, यहाँ आसपास भैया ने बताया काफ़ी सारे देखने का, महादेव का टेंपल है, मुक्तेश्वर धाम, चोली की जाली है, और दूसरा IVR जिसे बोलते हैं, इंडियन वेटरनरी रिसर्च सेंटर है, इंस्टीट्यूट वो भी है वहाँ पे। तो आप कभी भी इधर आइए तो ये सब देखिए और इनसे भी मुलाकात कीजिए। नमस्ते।